नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम को पाकिस्तान से हार मिली और जब हार मिली तो कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर था और पाकिस्तानियों से हार रोहित शर्मा को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने अपने एक एक खिलाड़ियों की क्लास लगा दी। मैदान पर तो उन्होंने डांटा ही, इसके अलावा ड्रेसिंग रूम में भी उन्होंने अपने खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत की ऐसी क्लास लगी है जिसका वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। रोहित शर्मा साफ तौर पर देखे जा सकते हैं जिनके सामने ऋषभ पंत खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे जिस पर वो आउट हो गए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को भी खूब फटकार रोहित शर्मा ने लगाई है। वहीं अर्शदीप जिन्होंने कैच छोड़ा था उनको तो रोहित शर्मा ने मैदान पर ही खूब डांट दिया। ये बताता है कि कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तानियों से हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए जो जो भी इस हार के बड़े विलेन रहे उन पर वो जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 60 रन का योगदान दिया। इसके अलावा भारत को कोई और बल्लेबाज बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम के लिए मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने भी बेहद ही काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के लिए शानदार मुकाबला जिता दिया और ये बिल्कुल परफेक्ट बदला रहा पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, क्योंकि 28 अगस्त के मुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत मिली थी और 5 विकेट से पाकिस्तान ने भी मुकाबला जीत लिया और इसी के साथ पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया। फिलहाल उम्मीद ये कि अब 11 सितंबर को एक बार फिर से दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी, लेकिन उसके लिए अभी भारत को अपने 2 मुकाबले जीतने होंगे और पाकिस्तान को 1 मुकाबला, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये संभव हो सकता है और फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारत को 4 सितंबर को हार मिली पाकिस्तान के खिलाफ, रोहित शर्मा जिस तरीके से गुस्सा करते हुए नजर आए वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हार फैंस को तो बर्दाश्त है ही नहीं, यहां तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है, इसीलिए हार के जिम्मेदार खिलाड़ियों पर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। फिलहाल रोहित शर्मा के इस गुस्से पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।